चंदू और उसकी पत्नी चंदनपुर नाम के गांव में रहते थे। चंदू की एक बहुत बुरी आदत थी, वो आए दिन कोई ना कोई चीज भूल जाया करता था। उसके बाद अपनी पत्नी से बहुत सारे उलाहने सुनता था। जानती हो भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए एक जोड़ी पायल खरीद कर लाया था, लेकिन मैंने कहा रख दिया, मुझे मिल नहीं रही है पायल। आखिर मिलेगा भी कैसे, आज तक आपने कोई भी सामान सही जगह पर ध्यान से रखा है? जो समय पर आपको मिल जाएगा बताइए तो। अरे ध्यान रखने की कोशिश तो मैं करता ही हूँ, लेकिन पता नहीं आखिर मुझे क्या हो जाता है। चंदू दुखी मन से चलते चलते एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा को देखता है। आओ चंदू, यहाँ जरा मन शांत करके बैठ जाओ। अरे आप मेरा नाम जानते हैं बाबा जी? जानता हूँ। मेरी पत्नी मुझसे बोलती है कि मैं आए दिन कोई ना कोई चीज भूल जाता हूँ। आप मुझे कोई ऐसी चीज दीजिए ना बाबा जी, जिससे मैं अपनी पत्नी को खुश रख पाऊँ। लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई खास चीज नहीं है सिवाय इस चाबी के। लेकिन इस चाबी का मैं क्या करूंगा बाबा जी? अगर तुम सही रास्ते पर चलोगे तो इस चाबी की मदद से तुम्हारी सभी समस्या का ताला खुल जाएगा, लेकिन अगर किसी भी स्थिति में इस चाबी का उपयोग गलत काम के लिए करने लगोगे तो उसका परिणाम भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा। भाग्यवान, खाने पीने के लिए जल्दी से कुछ लेकर आओ ताकि जान में जान आ जाए। क्यों? आखिर ऐसा कौन सा महान काम करके आए हो बताओ जरा। मैं सिर्फ चीजें भूलता ही नहीं हूँ भाग्यवान, चीजें ढूंढ भी लेता हूँ। क्या ढूंढ रहे हो बताओ? ये देखो, ये चाबी। हे भगवान, अब ये कौन सी चाबी है? इस चाबी से क्या होगा? इससे कौन से खजाने का ताला खुलेगा? खुलेगा भाग्यवान, जरूर खुलेगा, सारे ताले एक चाबी से खुलेंगे। अच्छा, वो जो हमारा गोदाम है ना, उस कमरे की चाबी नहीं मिल रही थी ना, उस कमरे का ताला इस चाबी से खुलता है कि नहीं देखो जरा। इस तरह से बाकी के भी खुल जाएंगे, तुम देखना भाग्यवान, और इसी तरह अब हमारी किस्मत भी खुल जाएगी। हाँ, देखो भाई कितनी बड़ी गड़बड़ी हो गई, इस अलमारी की चाबी टूट गई, कितनी कोशिश की पर फिर भी ये नहीं खुल रही। अरे तो क्या हुआ, मैं अभी खोल देता हूँ इसे। अरे वाह, इस अलमारी का ताला तो खुल गया। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है चंदू। ये लो, मैं खुश होकर तुम्हें ये दे रहा हूँ। हाँ, ये लो, ये ऐसे रखो तुम अपने पास। चलो, जितना भी मिला काफी है मेरे लिए। बड़ी गड़बड़ हो गई, भाग्यवान सो रही थी और मैंने दरवाजे पर ताला लगाकर बाजार चला गया, लेकिन जब से बाजार से वापस आया हूँ मुझे तो चाबी मिल ही नहीं रही, कहाँ रख दी मैंने? मुझे मिल नहीं रही। ए, खोलो खोलो दरवाजा खोलो, मैं बोल रही हूँ ना खोलो दरवाजा, मुझे घर में बंद करके खुद बाहर घूमने जाओगे? हाँ, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, बिल्कुल भी नहीं। अरे बाप रे, ये मैं कैसे मुसीबत में फंस गया, अब मैं ताला कैसे तोड़ूं? कैसे तोड़ूंगा? बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी ये ताला खोल देता हूँ। ए,
तुमने तो मुझे बचा लिया भाई, बहुत बढ़िया। ये लो तुम्हारी बख्शीश। वाह, पिताजी मरने से पहले बोलकर गए थे कि सारी संपत्ति के बराबर दो हिस्से करके दोनों भाई आपस में बांट लेना। तो तुमने क्या सोचा था कि ये दरवाजा तुम्हारा हिस्से का है, इसे तुम हड़प लोगे? मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये दरवाजा उठाकर तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मैं इसे पूरा दरवाजा नहीं दूंगा, इसलिए बगल के गांव में जा रहा हूँ, देखता हूँ कोई ये ताला तोड़ पाएगा या नहीं। ओहो, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अभी ये ताला तुरंत खोल देता हूँ और उसके बाद आप लोग अपना अपना हिस्सा आपस में बांट लेना, क्या कहते हो हैं? अरे क्या बात है, ताला खुल गया, अब इस दरवाजे का बंटवारा आराम से हो जाएगा। वैसे हम लोगों की इस मुश्किल को आसान करने के लिए मैं खुश होकर तुम्हें एक मोहर दे रहा हूँ। मैं भी एक मोहर दूंगा, दोनों एक ही समान देंगे। अरे बस बस, इसी तरह मेरा गुजारा हो जाएगा। धीरे धीरे गांव के सभी लोग चंदू के पास उससे मदद मांगने के लिए आने लगे। उसकी मदद के बाद लोग खुश होकर अपनी इच्छा से उसे जो कुछ भी देते थे उससे ही उनका गुजारा हो जाता था। सच में भाग्यवान, मुझे ऐसी चाबी मिली है कि दूर दूर से लोग मेरे पास आकर मुझे लेके जाते हैं और इसी बहाने हमारी आमदनी हो जाती है ना? तो बताओ मैंने किया है ना अच्छा काम है? हमारी तो किस्मत ये खुल गई है ना? किस्मत तो तुम लोगों की अब खुलेगी। चलो, जमींदार साहब ने तुम लोगों को बुलाया है, तुम्हारे उस चमत्कारी चाबी को लेकर उन्होंने अभी तुरंत हाजिर होने के लिए कहा है। अच्छा, तब तो लग रहा है कि आज मोटी कमाई होगी। ओहो, अभी मोटी कमाई के बारे में मत सोचो और चलो, पहले चलो चलकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या खुलना है। प्रणाम जमींदार साहब, बताइए बताइए क्या खोलना है आपको? मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई एक चमत्कारी चाबी है, मेरे पूर्वजों के संपत्ति का हिसाब किताब और कुछ मोहर इस बक्से में है, लेकिन इसके ताले में इतनी जंग लग गई है कि लाख कोशिश के बावजूद भी मैं इसे खोल नहीं पाया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए जमींदार साहब, हमारी इस चाबी के एक पेच से ही तुरंत ये बक्सा खुल जाएगा। ये देखिए जमींदार साहब। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम ये लो, मैं खुश होकर तुम्हें 5 मोहर दे रहा हूँ, ठीक है ना? और भी कोई जरूरी ताला खोलना होगा तो बताइएगा, मैं खोल दूंगा। जैसे कि मान लीजिए वो ताला, ये बड़ा वाला ताला, ये बड़ा ताला भी अगर ना खुले तो हम लोग ये ताला भी खोल सकते हैं। नहीं, इस ताले को खोलने की कोई जरूरत नहीं है, इस दरवाजे को खोलते ही तहखाने का रास्ता खुल जाएगा और वहाँ पर जाना मना है। जमींदार साहब तो हमारा काम देखकर बिल्कुल चौंक गए, लेकिन जमींदार साहब एक दो मोहर और दे देते तो अच्छा हो जाता है ना, क्या कहती हो? वो तो हम लोग को मिल ही सकता है, अगर हम लोग किसी तरह तहखाने में घुस जाएं तब तो हमारे पास मोहर ही मोहर होंगे। तहखाने में जरूर जरूर ऐसी कोई बहुमूल्य रत्न है जो जमींदार साहब छिपा कर रखना चाहते हैं, समझे? तो चलो हम लोग आज रात ही छुप कर उस तहखाने में घुसेंगे, बस हमें एक बार वो मोहर से भरा हुआ मटका मिल जाए तब तो हमारी 5 पुश्तें बैठकर खाएगी भाग्यवान।
चलो अब चुपचाप ये ताला खोलकर हम लोग इसके अंदर घुस जाते हैं। मुझसे तो अब इंतजार नहीं हो रहा, चलो खोलो 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 जल्दी खोलो। खुल गया। अरे बाप रे, ये सब क्या है? ऐसा लग रहा है कि ये सब हमें निकल कर खाने आ रहे हैं। और जरा आगे बढ़कर देखते हैं, मुहर से भरा मटका, पुराना बक्सा, ये सब कुछ ढूंढना होगा। भाग्यवान, मेरे पेट में अजीब सी गुड़गुड़ हो रही है। आगे जाकर कोई फायदा नहीं है, चलो 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 यहाँ से भागते हैं। अरे रुकिए रुकिए, सामने एक बक्सा रखा हुआ है, अरे उसे छोड़कर कोई जा सकता है क्या? चलिए चलिए चलिए। चंदू जैसे ही चाबी बाहर निकालता है, वैसे ही वो चाबी उसके हाथ से छूटकर हवा में झूलने लगती है। चंदू उछलकर वो चाबी मुट्ठी में भर लेता है। उसके बाद कांपते हुए वो ताला खोलता है। ओह, पता नहीं इस बक्से में कितने सारे हीरे जवाहरात होंगे। अरे बाप रे, भाग्यवान, ये क्या है? ये तो हमें निकल कर खा जाएगा। अरे बाप रे, तो हमें खा जाएगा। अरे बाप रे, बचाओ 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 बचाओ। ज्यादा लालच करने का अंजाम ऐसा ही होता है। अब तुम दोनों पति पत्नी यहीं पर रहो, इस बक्से के अंदर। तुम लोगों के मन में बहुत लालच है ना, हीरे जवाहरात चाहिए, अभी रहो तुम लोग, अब इसके अंदर ही रहो।